हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक और बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपने स्टूडियो को अच्छा बनाने के लिए कुछ प्रोडक्ट को एक अच्छा सा वीडियो बनाने के लिए, आपको पता है एक अच्छा स्टूडियो होना जरूरी है। वीडियो को अच्छा बनाने के लिए उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो आपके पास होना जरूरी है। तो कुछ ही दिन पहले मैंने ऑनलाइन से कुछ प्रोडक्ट को परचेस किया था एंड फाइनली आज वो डिलीवर हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं उसी प्रोडक्ट को अनबॉक्स करूंगा एंड आप लोगों को दिखाऊंगा कि अपने सेटअप के लिए क्या वो प्रोडक्ट है। तो चलते हैं फटाफट से अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं क्या है वो चीज। तो पहला प्रोडक्ट ये रहा, दूसरा प्रोडक्ट ये रहा एंड तीसरा प्रोडक्ट तो ये पहले रहा। इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो आप लोग देख सकते हो फर्स्ट वाले बॉक्स को अनबॉक्स करने के बाद उसमें कुछ इस तरह के क्लिप देखने को मिला। तो इस बॉक्स को साइड में रखते हैं एंड आप चलते हैं दूसरे वाले बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने के लिए। इस पैकेट को थोड़ा केयरफुली के साथ अनपैक करना है क्योंकि बाहर से भी पता चलता है कि इसके अंदर वो ग्रीन स्क्रीन है। अगर मैं कैंची फटाफट इस पर चलाऊंगा तो बाई मिस्टेक अगर कट गया तो फिर अपना वाट लग जाएगा। तो इसको इसीलिए केयरफुली से कट करते हैं। कुछ आप लोग देख सकते हो ये रहा वो ग्रीन स्क्रीन। तो दोस्तों दूसरे वाले बॉक्स में मिला मुझे ग्रीन स्क्रीन। अनबॉक्स करने के बाद जो प्लास्टिक है ना इसको साइड में रखते हैं, बाद में इसको फेंक देंगे कहीं। तो फटाफट से चलते हैं बड़े वाले बॉक्स को अनपैक करने के लिए। ओ शिट। तो फटाफट से इसको भी खोल के देखते हैं कि इसके अंदर कितने हैवी जो रड दिया है, जो स्टैंड दिया है वो कितना हैवी है। ओह माय गॉड, कितना वेट है यार इसके अंदर। देख सकते हो कि बड़े वाले बॉक्स से इस तरह के कुछ रड्स देखने को मिला जो कि ग्रीन स्क्रीन का स्टैंड है। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मुझे टोटल ग्रीन स्क्रीन का सेटअप बनाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ा, तो ये जो स्टैंड मिला उसका, तो स्टैंड का प्राइस मुझे 2000 पे करना पड़ा और ग्रीन स्क्रीन के लिए मुझे पे करना पड़ा 500 एंड उसके साथ ग्रीन स्क्रीन को जब स्टैंड पे लगाने के बाद उस पे जो क्लिप लगता है उस क्लिप के लिए मुझे 500 अलग से पे करना पड़ा। तो ज्यादा घुमाते नहीं बात को, टोटल अगर मिला के देखेंगे तो 3000 के करीब में पूरा सेटअप ग्रीन स्क्रीन का बनके तैयार हो गया। फटाफट से गाइस इसको हम रेडी करते हैं एंड पीछे जो आपको ये जगह दिख रहा है खाली, इस पे लगा के दिखाते हैं कि पूरा ग्रीन स्क्रीन का स्टूडियो कैसा आप लोगों को दिख रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पूरा ग्रीन स्क्रीन का सेटअप कंप्लीट कर दिया हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को टाइम लैप्स देखने में मजा आया होगा और उसको सेटअप करने में कितना परेशानी हुआ, कितना टाइम लगा आप लोग देख ही लिए। तो अब चलते हैं फाइनली आपको वो सेटअप दिखाने के लिए कि पूरा सेटअप कैसा दिख रहा है और उसका स्पेस कितना लिया अपने स्टूडियो में उसको लगाने के लिए। मेरे पीछे जैसे कि आप लोग अभी पूरा देख सकते हो कि ये रहा पूरा ग्रीन स्क्रीन। मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूं कि अभी जो है ना इसका साइज को मैं छोटा कर दिया हूं, जैसे कि जब मैं अनबॉक्स कर रहा था तो आप लोग देख होंगे कि इसका साइज कितना बड़ा था। तो अभी ना इसको मैं कस्टमाइज करके छोटा कर दिया हूं क्योंकि मुझे जितना इसका जरूरत है मैं उतना ही इसको रख और इसकी जो विड्थ भी है इसको भी मैं छोटा कर दिया हूं। अगर मैं पर्दे के हिसाब से इसको लगाना चाहूंगा अपने स्टूडियो पे तो ये पूरा स्टूडियो का स्पेस ये ग्रीन स्क्रीन का स्टैंड ले लेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि पूरा स्क्रीन इसको फैला दे। बस हमको जितना इसका जरूरत है हम उतना ही इसको कस्टमाइज करके रखें, जिसकी हाइट और विड्थ मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि यार इतना बड़ा इसका ग्रीन स्क्रीन आएगा। अभी आप लोग देख सकते हो इतना नीचे तक आया है एंड फिर इसको फोल्ड करके मैं टॉप पे इसको ले आकर यहाँ से क्लिप से चिपका दिया हूँ और सामने में इधर कैमरा लगा हुआ है और जस्ट आप लोग देख सकते हो पीछे में यही था ग्रीन स्क्रीन का स्टूडियो। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को देखने में मजा आया होगा। अगर ग्रीन स्क्रीन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना और नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। और हाँ, जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आके सब्सक्राइब कर दो भाई। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी जो आप लोग देख रहे हो मैं अभी इसके सामने शूट कर रहा हूँ एंड इसका एक प्रोफेशनल वीडियो साइड में आप लोग देख
देख सकते हो कि इसका यूज करके मैंने कैसे ग्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज किया। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर गाइज़।